में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुक्त सुई का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, यह प्रैक्टिस सेट संख्या 11 है। अगर इसकी पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी मुक्त सुई का प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देखिएगा। यह सोशियोलॉजी स्पेशल है, टेस्टरी संख्या 11। तो आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 96 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हटिंगटन द्वारा दिया गया है? कौन सा कथन कथन हटिंगटन द्वारा दिया गया है? चार ऑप्शन है आप लोग के सामने, तो बताएं क्या कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्रश्न 96 का बी सही है, समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियाँ करती हैं। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न संख्या 97 देखिएगा, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, यह कथन किसका है? हास्कोर विटिज, बेलिनोवस्की, महात्मा गांधी, लिंटन्स। तो क्या है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, यह कथन किसका है? तो प्रश्न 97 का बताएं, प्रश्न 97 का ए वह हास्कोर विटिज है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है, हास्कोर विटिज है। प्रश्न 98 बताएं, रूथ बेनिडिक्टर का नाम निम्नलिखित में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है? तो संस्कृति तत्व से, संस्कृति संकुल से, सांस्कृतिक प्रतिमान से, या सांस्कृतिक विलंबना से, किससे जुड़ा हुआ है? 98 का सी, सांस्कृतिक प्रतिमान से, सांस्कृतिक प्रतिमान से, विकल्प सी, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 99 देखिएगा, समाज में किस स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है? सांस्कृतिक विलंबना समाज में किस स्थिति को कहा जाता है? तो प्रश्न 99 का बी, जब संस्कृति के दो पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है तो उसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा, सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं, विकल्प बी। प्रश्न 100 बताएं, औपचारिक संबंध निम्नलिखित में से किन समूहों का लक्षण है? प्राथमिक समूह का, द्वितीयक समूह का, स्थानीय समूह का, या अस्थायी समूह का? तो प्रश्न 100 का बी ऑप्शन सही है आपका, द्वितीयक समूह का लक्षण है, विकल्प बी, द्वितीयक समूह का। प्रश्न 100 का बी ऑप्शन सही है, द्वितीयक समूह का। प्रश्न 101 बताएं, जात व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है अंतर विवाह व्यवस्था का निर्धारण, जन्म से अस्पृश्यता, सामाजिक स्थिति का निर्धारण। तो जात व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, तो प्रश्न 101 का भी सही है, व्यवस्था का निर्धारण जन्म से। जात व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या है? व्यवस्था का निर्धारण जन्म से, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 102 देखिएगा, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियाँ होती हैं। प्रश्न 102 का भी, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियाँ होती हैं प्रदत्त, अर्जित, मानव निर्मित, या ईश्वर द्वारा प्रदत्त। तो क्या होगा, 102 का बी सही है, अर्जित, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 103 देखिए, समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है इस आधार पर, तो समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है इस आधार पर, आमदनी के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, जन्म के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं? तो 103 का सी, मतलब जन्म के आधार पर, विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 104 बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? ऑगबर्न में जाना जाता है, विकल्प डी जो है वो आपका सही है, ऑगबर्न में जाना जाता है। प्रश्न 105 बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लें और बताएं। प्रश्न 105 का ए, व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृति में होती हैं, विकल्प ए जो है वो आपका सही है, ये जो है आपका सही है। प्रश्न 106 बताएं, निम्नलिखित कथनों पर टिप्पणी करिए, एक व्यक्ति न तो मानव पैदा होता है और न ही सामाजिक वर्ण, ये दोनों ही बनता है सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा, गलत, सही, अंशतः सही, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न 106 का सी, अंशतः सही, विकल्प सी जो है आपका सही है। एक व्यक्ति न तो मानव पैदा होता है न ही सामाजिक वर्ण, वह दोनों ही बनता है सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा, तो अंशतः सही, विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 107 बताएं, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। प्रश्न 107 बताएं, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, 107 का ए, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनने की प्रक्रिया होती है सामाजिकरण, 107 का विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 108
सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है, स्कूल, परिवार, पड़ोस या नातेदारी। तो सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण क्या है, तो वह है परिवार। परिवार विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 109 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण लागू करता है, समाज, धर्म, कानून या उक्त दोनों। तो सामाजिक नियंत्रण कौन लागू करता है, समाज, धर्म, कानून या उक्त दोनों, उक्त तीनों। तो सभी सामाजिक नियंत्रण लागू करते हैं, मतलब विकल्प डी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 10 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जन रीति है, नमस्ते करना, अंतर्विवाह, बहुविवाह या एक विवाह। जन रीति क्या है, विकल्प 110 का ए, जनरीत मतलब लोगों में जो प्रथा प्रचलित है, तो नमस्ते करना विकल्प ए जो है आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी मुख्य सेविका लाइव टेस्ट, लाइव टेस्ट 9 PM के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोगों को।